ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? बेलपत्र पेड़ में किस देवता का वास होता है? बेलपत्र पेड़ का रोजाना दर्शन करने से क्या होता है? बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक लगाने से क्या होता है? बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक कब जलाना चाहिए? एक बेलपत्र कितने दिन तक बासी नहीं माना जाता? बेलपत्र वृक्ष को काटने से क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बात मन की पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों से संबंधित जानकारी देंगे आपको। देखिए, बेलपत्र भगवान शिव का अति प्रिय वृक्ष माना जाता है, इसलिए भगवान शिव के भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। हमारी धार्मिक शास्त्रों में बेलपत्र के पेड़ को पूजनीय माना गया है। कुछ शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के पसीने से बेलपत्र पेड़ की उत्पत्ति हुई है, इसलिए बेलपत्र का पेड़ भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है। जैसे तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसी प्रकार बेलपत्र पेड़ में माता पार्वती का वास होता है। बेलपत्र पेड़ की पूजा करने से तथा रोजाना दर्शन करने से हमारे कष्टों का निवारण होता है। यदि बेलपत्र पेड़ का दर्शन सुबह शाम दोनों समय हो जाए तो इससे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। बेलपत्र पेड़ के नीचे रोजाना शाम को शुद्ध घी से दीपक जला दिया जाए तो इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तथा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। साथ ही इससे देवी लक्ष्मी अधिक प्रसन्न हो जाती हैं और धन संबंधी समस्याओं से निदान होता है। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल हो जाता है। दोस्तों, एक बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेलपत्र वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। अगर आप बेलपत्र को सींचते हैं तो सोने पे सुहागा होने वाली बात हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।